तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे ईश्वर, आपसे बस यही प्रार्थना है कि सब लोग तंदुरुस्त और निरोगी रहे, सब लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाई झगड़े ना हो, पूरी दुनिया में अमन और चैन बना रहे और ये कोरोना से सबको छुटकारा मिले। हे भगवान, ये कोरोना जहाँ से आया है वहां चला जाए, खेती बाड़ी अच्छी हो, सबके रोजगार अच्छे चले और हर धंधे में बस तेजी तेजी हो, सबके काम फिर से शुरू हो रहे हैं, बस उसमें कोई विघ्न ना आए और सब जगह माहौल पहले जैसा हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि सब जल्द से जल्द पहले की तरह शुरू हो जाए, हम बाहर जा पाए, खेल पाए, कॉलेज जाकर पढ़ाई कर पाए और यारों दोस्तों से मिल पाए, और सारे रेस्टोरेंट कभी बंद ना हो, हमेशा खुले रहे, और मेरे पापा का भी गैराज एकदम अच्छे से चले। हाँ, हम सबके पापा का काम अच्छे से चले, बस दुनिया पहले की तरह चलती रहे और आपके दिए की तरह हमेशा चमकती रहे, हर घर में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली हो और सबके मन में शांति बनी रहे। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ पोपट बेटा, इतना ढीला ढीला गुड मॉर्निंग। चाचा जी, मन एकदम अशांत हो गया है, पता नहीं क्या होगा, बार बार यही सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि बिना नौकरी के आगे सब कैसे होगा। थोड़ी धीरज रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हा? कैसे धीरज रखूं? इतने सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी, अब ऊपर से नौकरी भी चली गई। तू चिंता मत कर पोपट बेटा, तुझे नौकरी भी मिल जाएगी और तेरी शादी भी हो जाएगी। नहीं नहीं चाचा जी, नौकरी भी नहीं मिलेगी और शादी भी नहीं होगी। अरे डिब्बे, ऐसी निराशावादी बातें मत कर, देख जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। मतलब पोपट अंकल की शादी नहीं हुई तो वो अच्छा ही होगा? ओ भाई गोगी, क्या बोल रहा है तू, क्या दिवाली के रॉकेट की तरह कहीं भी फूटता है? अरे भाई, मेरे जीवन में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, उसमें तू ऐसे बात कर रहा है, शुभ शुभ बोल। सॉरी 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 पोपट अंकल। अरे पोपट बेटा, सब शुभ ही होगा है, ये वक्त भी बीत जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है, और जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर हमें और मजबूत बनाना चाहता है। आपकी बात सही है चाचा जी, लेकिन ऐसे हालात में इंसान ना चाहते हुए भी कभी कभी टूट जाता है। आज आखिरी बार तूफान एक्सप्रेस जा रहा हूँ, फुल एंड फाइनल हिसाब करने, अभी मंदिर ही जा रहा था, बाद में तैयार होके निकल जाऊंगा। तू हौसला रख, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन हालातों का डटकर सामना कर सकूं। अरे पोपट बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, ये जगत के पालनहार है, इनके आशीर्वाद ले, ठीक है, और अपने सारे टेंशन उनके चरणों में रख। जी चाचा जी। जा, जा, जा। चलो बच्चे। छोड़ो छोड़ो, आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। पर क्या फायदा, आपसे बात करके कोई मतलब ही नहीं है। एक काम करते हैं, अपना जो कुछ भी है ना आज फुल एंड फाइनल कर लेते हैं। मैंने बोलिए, कुछ भी मन में मत रखिए, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? अरे इतने सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी, वो क्या कम था कि शादी के लिए जो सबसे जरूरी है नौकरी, वो भी मेरे हाथ से चली गई। अरे मैंने क्या क्या सोचा था,
तूफान एक्सप्रेस में मेरा प्रमोशन होगा, होता ही रहेगा, और एक दिन मैं एडिटर बनूंगा। उसके बदले आज फुल एंड फाइनल आखिरी हिसाब करने जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? अब हद हो रही है, सोचो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। मेरी तकलीफ दूर करना सिर्फ आपके हाथ में ही है। अभी लास्ट टाइम मैं मेरी चिंता आपके हवाले कर रहा हूँ। प्लीज बीच मझधार में फंसी मेरी नैया को पार लगा देना। एक दो साल के अकाल के बाद जब बारिश होती है और एक किसान को जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी मुझे आज हो रही है। कितने महीनों बाद मैं आज दुकान को देखूंगा, गल्ले पे खड़ा रहूंगा, बाघा को डांटूंगा। लेकिन बाघा कोई गलती करेगा ही नहीं तो क्या हुआ, फिर भी डांटूंगा। बोल। ढोल? क्या ढोल? बोल। हाँ तो बोल तो रहा हूँ सेठ जी। हेलो हेलो हेलो। लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, अब सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहे, बोल। पहले सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ सुनाई दे रहा था। अरे नहीं नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ ये नेटवर्क का वही प्रॉब्लम है सेठ जी, जहाँ खड़े खड़े बात करते हो वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही दो कदम आगे चलो कि नेटवर्क आ जाता है। कि नेटवर्क हमारे साथ बच्चों के जैसे छुपा छुपी खेल रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सिद्ध जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आई। बोल बोल बोल। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप घर से दुकान आने के लिए निकल गए। अरे निकल गए क्या, इधर पास में हूँ, दो मिनट में दुकान पहुँचा। हाँ तो सुनिए, आप है ना दुकान में मत जाना। क्या मतलब? गोडाउन में आना। क्यों? आपके लिए एक मस्त सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज है सेठ जी, अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसी? आप गोडाउन में आइए, आपको सब पता चल जाएगा। अरे भाई इतने महीनों बाद दुकान के दर्शन करने का मौका मिला है, और तो बोल रहा है कि गोडाउन में आइए। नहीं भाई नहीं, मैं तो पहले दुकान में ही जाऊंगा। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए सेठ जी, आप कभी तो मेरी बात मानिए, आपको मेरी कसम, प्लीज गोडाउन में आइए ना। चल ठीक है आता हूँ जी। आइए सेठ जी आइए, आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। Congratulations and celebrations, finally अपनी दुकान आज से खुल गई। टीवी बेचेंगे, फ्रिज भी बेचेंगे, साथ में बेचेंगे मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम। आइए सेठ जी, स्वागत है आपका स्वागत है। थैंक यू बागा, थैंक यू। एक मिनट सेठ जी, अभी स्वागत बाकी है। मगन अरे वो हो गया, अभी दूसरा। क्या दूसरा? यहाँ एक दो मिनट का सेठ जी अभी आ जाएगा। अरे अरे मगन, अरे नहीं। आइए सेठ जी, आपका स्वागत है सेठ जी। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू बगा, थैंक यू मगन, थैंक यू। सेठ जी कैसा लगा आपका स्वागत? स्वागत तो ऐसा लगा जैसे मैं कोरोना का वैक्सीन ढूंढ के आया हूँ। वेल सेड सेठ जी, वेल सेड। अरे लेकिन बागा ऐसा स्वागत करने की क्या जरूरत थी बेटा? आप हमारे अन्नदाता हो, और अन्नदाता का स्वागत नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? थैंक यू बागा, थैंक यू। सच में तेरा ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये सरप्राइज नहीं था। तो क्या सरप्राइज है भाई? अरे सेठ जी आप घबराइए मत, दिल खुश हो जाए ऐसा सरप्राइज है। हाँ तो बता, जल्दी बता भाई, ऐसा क्या सरप्राइज है? आप नहीं मानोगे, लेकिन आज सुबह दुकान खुलने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही 2 टीवी और 4 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर मिल गया।
क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? ये तो वाकई में दिल खुश कर देने वाली खबर है भाई। वाह 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 बागा, क्या खबर सुनाई है तूने, मजा आ गया। बागा ये सब क्या है? ये वो सारा अपनी दुकान का माल है सेठ जी, मैंने गोडाउन में शिफ्ट करवाया है। क्यों? दुकान में लाइट नहीं है। ओ, इतनी सी बात? अरे लाइट नहीं है तो क्या हुआ, नहीं है तो आ जाएगी। नहीं नहीं आएगी। क्यों सेठ जी? वो इतने महीनों से हमारी दुकान बंद थी ना, तो चूहों ने हमारी दुकान पे एंक्रोचमेंट कर लिया है। क्या कर लिया? अतिक्रमण, कब्जा। अरे हाँ वो मैं समझा, लेकिन चूहा दुकान में कहाँ से घुस गए? अरे चूहों का क्या है सेठ जी, इतनी सी जगह मिली कि वहाँ से अंदर घुस जाते हैं। हमारी दुकान में घुस के सारी वायरिंग तहस नहस कर डाली, एक वायर नहीं छोड़ा। अरे बाप रे। और मैंने जब चूहों को वहाँ से भगाया तो उसमें से एक मोटा चूहा जाते जाते मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उससे भाड़ा ले लिया हो और फिर घर से बाहर निकाल दिया हो। अभी सब चूहे निकल गए कि कोई खूने खतरे में बचा है? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने एक एक चूहे को चुन चुन के भगाया, चुन चुन के भगाया। ओ, इसका मतलब अभी जब तक दुकान का वायरिंग रिपेयर नहीं हो जाता तब तक दुकान में जा नहीं सकते। हाँ नहीं ना, क्या मुसीबत है। क्या मुसीबत है? नहीं सेठ जी, ये कहिए क्या मौसीबत है? चूहा मतलब माउस ना, तो माउस पर से मौसीबत। हसिए सेठ जी हसिए। अरे प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैंने सारी तैयारियां कर ली है और वायरिंग का काम शुरू भी हो गया है। मगन तू जा और बबलू और उसके आदमियों को बुला के आ, जा। बबलू और उसके आदमी लोग कौन है? सेठ जी ये वो मजदूर है जिन्होंने ये सारा सामान दुकान से गोडाउन में शिफ्ट किया। और वैसे भी बड़े सया ने कहकर गए हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, तो जैसे ही ये मजदूर यहाँ आए आप उनको उनकी मजदूरी दे देना। तो मैं काम मना कर रहा हूँ भाई, तूने भी उनको मजदूरी दे दी होती तो मैं तुझे थोड़ी बोलने वाला था कि तूने उनको मजदूरी क्यों दे दी। अरे भाई मेहनत किया था, मजदूरी तो देनी ही चाहिए ना। बराबर है सेठ जी, मैं भी मजदूरी दे सकता था, लेकिन क्या है डायरेक्ट मालिक के हाथ से मजदूर को मजदूरी मिले तो उस मजदूरी मिलने का आनंद उस मजदूर को कुछ और ही होता है। अच्छा बबलू। हाँ आओ बबलू, आओ भाई आओ। कितना देना? 1000 रुपए। लो। सबको 1000-1000। अच्छा सॉरी। थैंक यू। किसके मैसेजेस है? ए, बैंक से है। 3-4 मैसेज है, कुछ पैसे जमा हुए। 3-4 नहीं 6 मैसेजेस होंगे, अभी बताया ना आपको। अच्छा वो 6? ओहो सबका पेमेंट आ गया। वाह 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 बागा, इतने महीनों बाद दुकान खुली और पहले ही दिन क्या बोनी हुई है। डबल बोनी हुई है। डबल बोनी? एक तो पैसों की और दूसरी इन मजदूरों के आशीर्वाद की। हाँ नहीं वो बराबर बराबर। मतलब अभी जब तक दुकान में वायरिंग का काम चल रहा है हमें गोडाउन से ही धंधा करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता हूँ, गडा इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टेड टू गडा गोडाउन, प्लीज कम बिहाइंड दिस बिल्डिंग। मगर ओ बोर्ड पढ़ के भी कस्टमर गोडाउन तक आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्त। क्यों? अरे वो बोर्ड पढ़ के कौन ढूंढते बैठेगा कहाँ है इनका गोडाउन। उससे अच्छा एक आइडिया मैं देता हूँ, ये मगन है ना उसको हम दुकान के बाहर बिठा देते हैं,
तो जो भी कस्टमर आएगा उसको वो यहाँ गोडाउन तक छोड़ देगा। हाँ, और एक बार कस्टमर गोडाउन में आ गया बस फिर कस्टमर है और हम है। हाँ, हम टैब में से कस्टमर को एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके बाद आपकी जुबान और मेरी सर्विस। हाँ, हम यहाँ से भी धंधा धम धोकर चलाएंगे। अच्छा भागा, तूने नट्टू काका को फोन करके बोल दिया ना भाई अभी गांव में रहने के लिए? हाँ, मैंने बता दिया है। बेचारे नट्टू काका दुकान को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, उनको बोलना जैसे ही कोरोना काल थोड़ा ठंडा पड़ता है उनको तुरंत बुला लेंगे। जी, और बावरी कैसी है? बावरी जी बस एकदम मस्त है। चलो आइला। क्या हुआ? मैं आपको और एक सरप्राइज देना तो भूल ही गया मगन। क्या? अभी और क्या सरप्राइज है बाघा? अरे आप देखिए तो सही सेठ जी, देखते ही आपका दिल एकदम खुशम खुश हो जाएगा। अच्छा, पेश है आपके लिए गर्मा गर्म पापड़ा जलेबी और मसालेदार रजवाड़ी चाय। अरे बाघा, तू अभी रुलाएगा मुझे? हा हा हा, थैंक यू बागा, मजा आ गया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अच्छा सेठ जी, हाँ, मैं दुकान में जाकर देखता हूँ कि वायरिंग का काम कहाँ तक पहुँचा। हाँ। मगन तू भी मेरे साथ चल, अगर कोई कस्टमर आया तो उसे लेकर तू गोडाउन में आ जा, ठीक है? चल। थैंक यू भगवान, मेरी कुंडली के मुताबिक आपने मुसीबत तो भेजी, लेकिन इस बार मुझे उस मुसीबत के बारे में पता चले उसके पहले ही बाघा के जरिए उसका निराकरण भी भेज दिया। तो मतलब वो आजकल सब बोलते हैं, वैसे कहीं ये मेरे लिए न्यू नॉर्मल तो नहीं है? जो भी हो भगवान, मजा आ गया। सिर्फ मुसीबत का निराकरण ही नहीं मिला, आज पहले ही दिन अपने कितनी अच्छी बोनी भी करवा दी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। दोस्तों, मेरा परम मित्र जेठलाल बड़ा ही खुश है, प्रसन्न है। ये दुकान शुरू हो गई है, काम धंधा शुरू हो गया। किसी व्यापारी के लिए काम धंधा शुरू होना अवार्ड मिलने से कम नहीं। जेठलाल की शुरुआत तो बड़ी ही शानदार हुई है, बड़ा ही खुश है। लेकिन अब सवाल ये है कि बाकी लोगों की शुरुआत कैसी होगी। लेकिन बहरहाल बाकी सभी लोग खुश है, लेकिन जिंदगी का एक नियम है, कायदा है, जहां खुशी वहां गम। हम लोग तो खुश है, लेकिन पोपटलाल की नौकरी चली गई है। पहले ही शादी के लिए छोकरी नहीं थी, ऊपर से ये नौकरी की चिंता, तो अब क्या होगा ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2077 की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। बधाई भाई दूज की भी, हर घर में भाई बहन का प्यार और स्नेह बना रहे, और इस नए वर्ष में आप सभी का काम धंधा व्यापार रॉकेट की गति तेज चले, यही प्रार्थना है ईश्वर से। गोकुल धाम में पोपटलाल की नौकरी जा चुकी है, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है, लेकिन आपकी हंसी बंद नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.